मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं। और ये पेड़ किस चीज के आप लोग बताइए? फीफा। कौन सा, ये वाला? हाँ, यही वाला ना बोल रहा हूँ मैं। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक इन न्यू ब्लॉग। मेरा नाम मोहम्मद मिराज है, चैनल का नाम टेक्निकल स्किल ब्लॉग है। दोस्तों, जैसे आप लोगों को पता ही है कि आज है ईद सऊदी अरबिया में, और ईद के दिन हम लोगों को तो ड्यूटी होती है, लेकिन बहरहाल कुछ हमारे दोस्त लोग हैं, कुछ दिल के करीब लोग हैं जो मुझे इनवाइट किए हैं, तो ड्यूटी तो अभी ख़त्म नहीं हुई है, फिर भी मैं वो लोग इंतज़ार कर रहा है। और यहाँ से लगभग 15 से 20 किलोमीटर दूर है, लगभग 30 किलोमीटर दूर है, तो दावत पे बुलाया है, तो मैं वहाँ दावत पे जा रहा हूँ दोस्तों। और चलते हैं वहीं पे, अपने दोस्तों से मिलते हैं। बहुत से दोस्त जो हमारे हैं चैनल पे, वो लोग बोलते भी हैं कि सराकों का कैंप दिखाओ, तो दोस्तों आज सराकों का कैंप भी दिखाता हूँ मैं आप लोगों को, और सराकों के लोगों से मिलाऊँगा भी। और चलिए फिर चलते हैं। और जो भी दोस्त नए हैं चैनल पे, जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों, आपका 10 से 5 मिनट टाइम जो है हमारा वीडियो देख करके और अपने दोस्तों में शेयर करेंगे तो कुछ ना कुछ हमें हेल्प हो जाएगी। और इतने लोग जो है, आप लोग इतने लोगों को देखते हैं, बहुत से लोगों को बनाए हैं, तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर शेयर कीजिए, दिल को बड़ा कीजिए। इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं होता है दोस्तों, इंसानियत के नाते हमारे वीडियो को शेयर कीजिए। तो ब्लॉग में बने रहिए और चलिए दिखाते हैं आप लोगों को। इधर भी एक जगह है, वहीं पे मैं चल रहा हूँ और बस गाड़ी आने वाली है, मैं यहाँ से रेडी होकर निकल रहा हूँ। निकल करके आप लोगों को वहाँ पर मिलते हैं, दावत पर दिखाते हैं। और ये ब्लॉग बहुत इंटरेस्टेड होने वाला है, सो आप लोग जो है ब्लॉग में बने रहिएगा और ब्लॉग पे प्यार जरूर दीजिएगा। तो चलिए चलते हैं, फिर वहीं मिलते हैं आप लोगों से। दोस्तों, आप लोगों को दिखना चाहिए, देखना चाहिए यहाँ का ईद का माहौल, आप लोगों को देखना चाहिए कैसे ईद हमारे यहाँ अपने इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, जो भी देश में मनाया जाता है, मतलब इस कंट्री में जो है कितनी खुशी से मनाया जाता है। और यहाँ देखिए, हमारे पीछे आप लोगों को दिख रहा होगा, इधर देखिए कुछ भी नहीं है, सन्नाटा, हर तरफ सन्नाटा ही मिलेगा आपको, चारों तरफ सन्नाटा मिलेगा। इन लोगों का जो है इन्जॉयमेंट, ईद का त्यौहार, जो भी ये लोग त्यौहार मनाते हैं, इन लोगों का तरीका ही अलग है। ये लोग आएंगे यहाँ पे, हम लोग यहाँ काम करते जैसे हॉस्पिटल में, आए केक वगैरह काटे, गवा वगैरह पिए, फिर चले गए। लेकिन हम लोग यहाँ, हम लोग जो है एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे से गले मिलते हैं, बात करते हैं, प्यार करते हैं। दोस्तों, ओह, गैस भी आ गया है, बात करते हैं हम लोग, प्यार करते हैं हम लोग और मिलते हैं प्यार मोहब्बत से। लेकिन यहाँ का माहौल, यहाँ का जो है बिल्कुल ही अलग है, बिल्कुल अलग है, बिल्कुल कल्चर अलग है हम लोगों से। देखना चाहिए आप लोगों को। और मेरा बहुत सा वीडियो, इससे पहले मैं वीडियो बनाया हूँ, आप लोग उस वीडियो को देखिए, आप लोगों को दिखेगा। और यहाँ का ये देखिए कि क्या माहौल है, कितना सन्नाटा है, देख लीजिए, चारों तरफ सन्नाटा ही मिलेगा आपको, कहीं भी कुछ भी कोई आदमी नहीं मिलेगा, हॉस्पिटल हो, कुछ भी हो, रोड भी खाली मिलेगा। ये यहाँ का ज़िंदगी है, ज़िंदगी उन्हीं लोगों के लिए है जो यहाँ का है, हम लोग जैसे लोगों का ज़िंदगी नहीं है। दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं कैसा चारों तरफ जो है सन्नाटा, और धूप भी जो है दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त हुआ है। तो बस दोस्तों, आप लोगों से कहना यही है कि आप लोग मेरे चैनल पे ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए, कि मैं भी जो हूँ अपने घर परिवार के साथ रह करके, अगर कुछ अर्निंग आता है इस चैनल से तो घर परिवार के साथ रह करके मैं भी अपने परिवार और अपने दोस्त और अपने मुल्क में जो है पर्व मना सकूँ, त्यौहार मना सकूँ। तो जो है आप लोगों की रिक्वेस्ट, आप लोगों का प्यार होना चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना चाहिए इस वीडियो को, कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा देखें और शेयर करें। तो चलिए अब चलते हैं वहीं पे, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ गाड़ी आने के बाद से, चलते हैं वहीं पे, वहीं पे मिलते हैं अपने दोस्तों से, मिलाते हैं आप लोगों को।
दोस्तों जैसे आप लोगों को बताया था, ये देख लीजिए, ये सराकों का कैंप है पूरा, और यहीं पे हम लोग आए हैं दावत में। ये आप लोग देख सकते हैं चारों तरफ, और ज़्यादातर सराकों का कैंप आपको ऐसा ही मिलेगा। अरे पीछे इधर से लेके पूरा उधर तक पूरा सराकों का कैंप है, कैंप ऐसा ही मिलेगा। हाँ तैयब भाई, और ये हमारे तैयब भाई है, ईद का दावत दिए हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ईद मुबारक। ईद मुबारक हो जी। इंतजार कर रहे हैं। हाँ अभी लोग का इंतजार है, बस आ ही गए लोग। चिकन बिरयानी, मच्छी बिरयानी, चिकन बिरयानी है ना, चिकन बिरयानी को पता होना चाहिए ना, देहाती देहाती सब करेंगे, सब करेंगे आराम से। क्यों भाग रहा है वो मुर्गी, जिंदा अभी भाग रहा है, लाइए ना हम बढ़ा देते हैं। जा रहा है ना, कहा सलाम बाबाची है, ये टेंशन क्यों ले रहे हैं? बस करिए बस करिए, क्या है कोई से नहीं निकला है, बस करिए बस करिए। पहले इतना खत्म होने दीजिए ना, पीछे का है ऐसे बोलिए। हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह, ये तैयब भाई का भाई का मेहमान नवाजी, मेहमान नवाजी। हाँ मिलते अब खाने के बाद। हाँ बहुत शुक्रिया, चलिए अपने आगे बिल्कुल साफ। हाँ कुछ ना है लेकिन ये सब बेकार है। तैयब भाई के बाजू में जो अगर बैठा है ना, अगर वो सही सलामत एकदम हो जाते हैं। मोबाइल के चक्कर में बैठे हुए थे। भाई मोबाइल पानी थोड़ा सा, पानी थोड़ा सा बाद में पिया, मुश्किल है। दोस्तों ये आदमी को आप लोग देख लीजिए, जिस साइड पे अगर सराकों पे जाएंगे ना, इनके पास में बैठिएगा तो पेट बड़ा करके बैठिएगा और दिल मजबूत करके। हाँ ये जो है ना, रुसे हुए दामाद को बैठा दीजिए, अगर नहीं मना दिए ना तो फिर उसका दामाद होने पर धिक्कार है। हमारे बहुत से व्यूअर जो है ना, सराकों का कैंप, सराकों का आदमी, ये सब देख लीजिए आप लोग, ये सब लोग सराकों, सारे लोग सराकों में काम करते हैं, और ये डिस्पेंसरी में ड्यूटी है इन लोगों का। जब जब भी कर रहा था जबरदस्ती भाग रहा था। यस पाक भैया से दो आदमी मिल गए, जब भी कर रहा था बोल रहा था ये कुमार के लिए, ये कुमार भाई सुखल वाला है, इधर थोड़ा सा खाइएगा कि ना, खाइएगा कि भाई जिसके आगे मसाला ज्यादा जिसका सबको खिला रहे हैं, आपने देखिए ना कितना रखे हुए हैं, सबको इधर उधर इधर उधर दे रहे हैं। देख रहा हूँ कुछ नहीं, मेरा ऐसा है ना, उठते हैं तो ये भाई इधर खसकाते हैं ना। अल्हम्दुलिल्लाह बिरयानी मजेदार बना था। अस्पाक भाई कुछ बोलना चाहते हैं? हाँ बोलना चाहता हूँ, अल्लाह ताला हमारे तैयब भाई को फिर बकरीद में बकरा कटेगा इंशाल्लाह। पता नहीं बकरीद में बकरा कटेगा कि तैयब भाई कटेगा, तैयब भाई का पैसा कटेगा, पैसा मत करिए जेब कटेगा भाई, मत कहिए बेचारे तैयब भाई, मतलब प्यार मोहब्बत से बुलाए हैं। प्यारे दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, और ये पेड़ किस चीज़ के आप लोग बताइए, ये देखिए सहजन, सऊदी अरबिया में इस तरह का सहजन आप लोगों को देखने को कहीं नहीं मिलेगा, सिर्फ इसी एरिया में मिलता है, और कितना पड़ा हुआ है गजब। और हम लोग तोड़ के ले भी जा रहे हैं, हम भी है सलाम, हमको भी चाहिए। हाँ हाँ ले लीजिए, ऐसे भी बहुत है, आपको उतना लेना ले लीजिएगा मुश्किल नहीं। ये देखो भाई ये पेड़ से ताज़ा ताज़ा तोड़ के हम लोगों को
मिल जा रहा है, वो भी सऊदी में, यही बहुत बड़ी बात है। दोस्तों आप देख सकते हैं सिर्फ इसी एरिया में देखने को मिलेगा सहजन का पेड़। रिटर्न आ रहे थे मालूम है, तो हमने सोचा कि थोड़ा सा फीफा का भी कुछ वीडियो बना लूँ। और माशाल्लाह बहुत खूबसूरत जगह है, ये एरिया बहुत ही खूबसूरत है। ये देख रहे हैं जो पहाड़ वो पूरा फीफा, जो कि बहुत फेमस है सऊदी अरबिया में फीफा के नाम से। और फीफा बहुत खूबसूरत जगह है, घूमने लायक जगह है। अगर हमें कभी मौका मिला तो ज़रूर हम जाएँगे। तो दोस्तों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा कि मेरा भी चैनल जो है ग्रो कर जाए। बाय बाय।